नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल में आ गई हैं वैकेंसियां। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन यहां पर दिखाऊंगा। देखिए, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट, यहां पर आई हुई है वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पदों पर BSF कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर देखिए, 22 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो 22 अप्रैल से लाइव हो जाएगी। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे और रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अभी नो जॉब अवेलेबल दिखाएगा, क्योंकि अभी इसका यहाँ पर सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 22 अप्रैल से ये नोटिफिकेशन लाइव हो जाएगा। 12 मई तक आपके पास डेट रहेगी, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको फॉर्म को अगर फिलअप करना है तो recruitment.bsf.gov.in इसी पर जाकर के आपको इसको वैकेंसी को फिलअप करना होगा। जो वेबसाइट यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है, इसी वेबसाइट में आपको सारी जानकारी जाकर के मिलेगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, जो भी लोग एलिजिबल हैं वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। दो प्रकार की पोस्ट हैं, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, दोनों ही बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विसेज में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आर ओ की 217 पोस्ट और आर एम की 30 पोस्ट। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का भी आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। जो वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिव हैं, यानी कि बढ़ाई और घटाई जा सकती हैं। पे स्केल की जानकारी इन्होंने अभी ही यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है, यानी कि जो पे स्केल होगा आपका वो बेसिक सैलरी 25,500 से 81,100 है 7 CPC के अकॉर्डिंग। ये आपकी ग्रॉस सैलरी नहीं है, ये बेसिक सैलरी। इसमें जो भी अलाउंसेस होंगे वो एडमिसिबल होंगे और वो आपको लग करके ही सैलरी बाद में आपको मिलेगी। ये फिलहाल बेसिक सैलरी ही डिस्प्ले की गई है। एज लिमिट बताई गई है यहाँ पर, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए आप इसको आवेदन करने के लिए और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ST OBC को कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपकी एज 25 साल से ज़्यादा हो गई है तो 3 साल 5 साल जो भी नियमानुसार ST OBC को एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास यानी कि 10+2 आपका होना चाहिए, 10+2 है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए और यहाँ पर 60% मार्क्स है, 12th आपने पास किया तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। या फिर आपने 10th के बाद में ITI किया हुआ है, 10th+ITI है तो भी आप इसको आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। अब देखिए, आपको आवेदन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसी वेबसाइट में आपको जाकर के कैंडिडेट लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनानी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में सारी जानकारियाँ आपको भरनी पड़ेंगी, उसी के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। फिलहाल मैं फॉर्म फिलअप की जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, एड्रेस डिटेल भरना है, उसके बाद में अदर डिटेल भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, ये सारी डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें लगा करके फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म आज से सबमिट नहीं होगा, फॉर्म देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था कि 22 तारीख से फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, तो 22 तारीख से ही आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करिएगा। अभी फॉर्म ये यहाँ पर ऑनलाइन नहीं आया, मैं आपको पहले जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को जैसे ही आए आप इसको फिलअप कर सकें। जैसे ही आएगा मैं फॉर्म फिलअप का भी एक वीडियो बना करके डालूंगा कि फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है। अब यहाँ पर देखिए, एडवर्टीजमेंट नोटिस जो है वो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, इस एडवर्टीजमेंट नोटिस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये QR कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करेंगे तो इसी वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से भी जा करके सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी, जानकारी कैसी लगी है वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इस वैकेंसी को आप देना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को, इस वैकेंसी का वीडियो मैं जो फॉर्म का है वो जल्द ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि 22 तारीख को ये फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा और जैसे ही ऑनलाइन आ जाएगा मैं इस फॉर्म को बना करके जल्दी इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल में वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।